मसावी हैसियत को बदल दिया। फिर इन्होंने करोल बाग में त्रिपिया कॉलेज का नाम किया, उसका नाम इन्होंने रखा आयुर्वेदिक और यूनानी त्रिपिया कॉलेज। अभी डॉक्टर तरमीर साहब ने एक बात कहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया जब इन्होंने कायम किया तो कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया कि इसमें से इस्लामी इस्लामिया जो वर्ड इसको हटाया गया, जिसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि इसके मतलब कि जब चंदे की जरूरत थी तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, तो इसके चंदे के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं खुद कठुआ लेकर के भीख मांगूंगा, लेकिन इस्लामिया वर्ड इससे नहीं हटेगा। ठीक उसी तरह से त्रिपिया कॉलेज का जब इन्होंने नाम रखा आयुर्वेदिक और यूनानी त्रिपिया कॉलेज, इनकी दूर अंदेशी जाहिर होती है इससे। इन्होंने त्रिपिया कॉलेज का नाम यूनानी और आयुर्वेदिक त्रिपिया कॉलेज नहीं रखा, बल्कि क्या रखा आयुर्वेदिक एंड यूनानी। इनकी दूर अंदेशी थी कि हमारे जो द्वीप है यूनानी द्वीप आगे जा करके ये मुअस्सिर हो सकता है, इसके खात्मा हो सकता है। इन्होंने इसके साथ आयुर्वेद को पहले जोड़ दिया। ठीक उसी तरह से जो लोगों ने इंतराज किया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिया का वर्ड हटाया गया। फिर इनकी जो तस्वीर है, तस्वीर भी बहुत सारी इनकी तस्वीर, सबसे अहम जो है वो हाजिर है जिसमें तिब्बे यूनानी का पूरा खुलासा मिलता है और तिब्बे यूनानी के खुलासे के साथ साथ जो इनके खानदानी पेशा था तरीका इलाज था उसका भी तफसील से इसमें जिक्र मिलता है। इनकी एक और तस्वीर है जो रिसाला तैयारी और मुफ्त अदविया की शनाख्त के तरीके तफसील से बयान किए। एक चीज हो कि 1895 और 96 में, 1895 और 96 में जब ताऊन वबा के तौर पर फैली थी तो हकीम अजमल खान साहब ने ताऊन पे एक रिसाला उर्दू में लिखा जिसमें तारीख ताऊन के असबाब अलामात और खास तौर से उसका इलाज तफसील से दिया, खासतौर से उसका इलाज तफसील से बयान किया। इन्होंने हर फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दिए, खासतौर से हम सब लोग जानते होंगे कि इनके इनकी जो तहकीकी कारनामे हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि असरोल पे इन्होंने काम किया, असरोल पे डॉगरफिया संसरटाइना उस वक्त के मशहूर और काबिल जो कीमिया था डॉक्टर सलीमुज्जमा सिद्दीकी साहब के, उनकी मदद से इन्होंने तहकीकी काम डॉगरफिया संसरटाइना में किया और उसमें से तीन जौहरिया फाइल इन्होंने निकाले जिसको आज भी हम लोग जानते हैं किस नाम से, अजमली अर्मिलिनीन और अर्मिलिसिन, जो कि जत्तुतम अली यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की एक मखसूस दवा है। इनके कारनामे के साथ साथ त्रिपी कारनामे के साथ साथ इनकी जो एक बहुत ही कुर्बानी है जो हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उस वक्त
अंग्रेजी हुकूमत ने इन इनके खिदमत से मुतासिर होकर इनको उससे पहले खिताब दिया था कैसर हिंद और हजरतुल मुल्क, लेकिन ये आज़ादी के लिए इतना अहम कुर्बानी दिया कि इन्होंने अपने खिताबात को वापस कर दिया और इनसे अवाम हिंदुस्तान की अवाम मुतासिर होकर के इनको खिताब से नवाजा, जो हम लोग सब जानते हैं मसीहुल मुल्क, जो आज भी बाकी जो आज भी बाकी। तो आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि हकीम अजमल साहब की जो गैर मामूली तिब्बी खिदमत है उससे हकीम अजमल खान हमेशा याद किए जाएंगे। और हकीकत करना चाहूंगा इस सवाल है मसीहुल हकीम अजमल खान के अफकार और नजरियात की असली मानवियत तिब के हवाले से। हिंदुस्तान की तारीख में अहद बरतानवी यानी कि 1857 से लेकर उनसे काबिर किया जाता है जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर आसमाना कब्जा करके न सिर्फ यहाँ अपनी हुकूमत कायम की बल्कि अपनी मगरबी तहजीब को हिंदुस्तान पर थोपा, मगरबी उलूम को रायश करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जिसमें हिंदुस्तानी उलूम व फ़नून की पसपाई भी शामिल थी। चुनांचा दीगर उलूम की तरह इस दौर में तिब्बियानी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। इस नाजुक दौर में जिन अतिबाए हिंद ने सफीना दीप की नाखुदाई की और दीप को जिंदा रखा उनमें सरे फेरिस्त हकीम अजमल खान का खानदान खानवादा शरीफ और उसके चश्मो चराग हकीम अजमल खान का नाम आबे जबी से लिखे जाने के